तो आज का व्लॉग ये है। आज हम लोग जा रहे हैं अपनी आनी के घर। अभी सरप्राइजली हमने प्लान बनाया क्योंकि आपको पता है फिर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मेरी क्लासेस चल रही थी, खाला की कॉल आई, तो मैंने कहा चले हम आपकी तरफ। खाला इतना फोर्स कर रही थी कि आ जाओ जल्दी से, दूसरा मतलब बेबी की तबीयत भी नहीं ठीक थी तो मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। तब फिर हम लोग आने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग वहाँ पर जाएंगे और फिर मैं आपको वहाँ पर जाकर सारी दिखाऊंगी चीज़ें। अब मैं आनी नए बर्ड्स लेकर आई हैं, नए कॉकटेल्स लेकर आई हैं, तो अब हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। खाला के घर एंटर हुए हैं, वो हमारे लिए चाइनीज राइस बना रही हैं। तो चलें अब हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि सब क्या कर रहे हैं। ये यहाँ पर चाइनीज राइस का सामान तैयार हो रहा है, चावल हो रहे हैं, और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सब लोग क्या कर रहे हैं। ये यहाँ पे आर्ट्स का काम चल रहा है। आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं कार्ड बना रहा हूँ। किसके लिए बना रहे हैं? सच सच बता दें। नहीं वो नहीं बता दें, बता दें। अभी मैं किसी को नहीं बताऊंगी पक्का। नहीं मैं किसी को नहीं बता, सिर्फ मेरे व्यूवर्स को पता लगेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। नहीं वो काफी ज्यादा है। ओहो, और ये बेबी के साथ खेल रहे हैं मामा। हेलो बेबी, वो फुल झूले ले रहा है। और ये क्या हो रहा है? ज्ञान अब खाला की गोद में झूले ले रहे हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, अभी हम लोग यहाँ पे मस्ती करेंगे, फन करेंगे, हम थोड़ा सा बैडमिंटन खेलेंगे, खाना खाएंगे और देन आपको ज्वाइन करेंगे। तो यम्मी से ये चाइनीज राइस बने हैं, उसकी रेसिपी भी हम जल्दी आपसे शेयर करेंगे जी। तो रबीत अब दिखा रहे हैं जो कार्ड वो बना रहे थे, जरा भी दिखाएं। हाँ, इसके लिए बना रहे रबीत। और ये मैं अपनी मम्मा के लिए बना रहा हूँ, मैंने अभी नहीं बताया है। और ये एक वाटरफॉल हार्ट कार्ड है। वाओ रबीत, दैट्स अमेजिंग। और ये इसको वापस करके मैं अपनी मामा को दूंगा। अरे यार इनका नाम क्या नहीं होना, कॉकटेल है, कॉकटेल चारकोल। ये इनका ये ब्लैक फजिल। वाह, ये लेटिनो पर्सनल। ये वाला कितना प्यारा है। ये आप कब लेके आई थी? ये इनकी बेबी है? हाँ ये वाले बेबी थे। ये देखो वो अभी बेबी उसमें से बाहर आया है। और ये बज रही हैं। ये कितने अच्छे हैं। ये देखो ये होगा ऑलमोस्ट, मैं दिखाऊं। वो देखो सारे डबल फ्रिल फूलों वाले। ये हो गुरु में बैक फ्रिल है। ये वाइट कैटलॉग बैक, ये कितने क्यूट है वाइट वाइट। ये बैक फ्रिल है वाइट, कितनी अच्छी आपने तो सेटिंग की हुई है सारी इनको हीट देने के लिए। इनका सिट्टे वगैरह आपने को डाले हुए हैं इनको। वाह, ये इनको गैस चढ़ती है ना, तो इसलिए फिर ये ब्लोअर लगाया हुआ है। ये देखो यहाँ पर आओ, आगे आओ, हाथ करो आगे। ओके, यहाँ पर एफर्ट वाला काम है। कितना क्यूट है ये बेबीज, इनके निकल सारे बल्ब वगैरह सेट किए हुए हैं, इनका खाना पीना, इनकी मेडिसिन खराब हो गए थे। ओ ये अब हम जा रहे हैं मुर्गियां देखने। ओके लेट्स गो। आ रही है, आ रही है, ये ट्रिपल साइज में हो गई। ये सिर्फ अभी 1 month के। और ये सील शजरा है जो लड़ते हैं। हाँ ये जो सील शजरे हैं ये भी बच्ची हैं, ये किसी के पास अंडे खाए थे। ये मैं छोटे छोटे बेबीज, और ये भी वही है, बेबीज ही हैं। इतने बड़े हो गए हैं? हाँ ये बेबीज है, ये बड़े हो गए। कितने हैं ये वाले? सारे मुर्गे मुर्गियाँ बीच में हैं। कैसे देख? और वो वाले अलहदा उन्हीं में से बड़े बड़े हो गए। ये तो बहुत बड़े हो गए हैं ना। हाँ ये वो है ना, एस्ट्रोलॉग। इसका क्या नाम है? ये बड़ा, इन दोनों ने आपस में मार से लड़ाई की थी, मुँह लाल हो गए। तो अब हम लोग आने के घर से घर आ चुके हैं। तो अब हम लोग ने रास्ते में थोड़ी बहुत मम्मा की, आपको बताया जैसे सब मदर्स का होता है कि थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेना, तो मम्मा ने वो की, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ अभी। ये जो थे वो कुछ ग्लास, तो ये है वो सामान जो मम्मा लेकर आई थी। ये जार थे और ये ग्लासेस थे, ये वाले, इसको अब हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। और ये वाले बाउल्स थे और उसको सारी ये उसका सेट है। अब हम वन बाय वन जो हैं वो सारे ग्लासेस निकाल के इसमें मैं डिस्प्ले करूँगी।
तो अब हमने मैंने मामा की वो क्रॉकरी जो है वो डिस्प्ले कर दी है। अब हम लोग किचन में आ गए हैं और किचन में यहाँ पे बन रहे हैं मज़ेदार से मूली के पराठे जो मेरी मामा को बहुत पसंद है और पसंद ही मेरी नानों को भी बहुत ज़्यादा थे और मुझे नहीं पसंद ये, लेकिन मेरी नानों को पसंद है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो इसलिए मैं भी ये खा लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ ये मूलियाँ कद्दूकस करके इसकी रेसिपी है। ग्रीन चिलीज ओके, सॉल्ट 1 स्पून, ठीक है, 1 मूली के अंदर, और 1 स्पून आपने इसमें गाढ़ा मिर्च ऐड कर देनी है। 1 स्पून इसके अंदर आपने ग्रीन चिली जो होती है वो ऐड कर देनी है। मगर आपको पसंद है, आपको फेवरेट बहुत, तो आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकती हैं, मूली के पत्ते भी काट के डाल सकते हैं, और खास जो इसका होता है वो होता है साबुत धनिया, उसे आप क्रश करके इसमें ऐड कर दें मूली। ठीक है, ये है वो तरीका जो भी मैंने आपको दिखाया था मूली के पराठे बनाने का जो मेरी मामा बनाती हैं। ऐसे सर्दियों में काफ़ी मज़े के लगते हैं तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और आज का दिन हमने काफ़ी फ़न किया, हम लोग आने के घर थे जिसमें मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया भी है, जिसमें तोते थे और वह नए तोते लेकर आए थे अपने। अच्छा मैं आप लोगों को ज़रा ये दिखा दूँ, ये ऐसे करके डाला है मामा ने, इसमें ऑयल डाल दिया आपने, ये तैयार हो रहे हैं। आप ये भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अब आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। मूली का पराठा तैयार हो गया है, ये देखें ये मज़ेदार सा मूली का पराठा, इससे सर्दी के यहाँ पर तैयार है मूली के पराठे, और इसके बाद हम इसको इंजॉय करेंगे, मज़ेदार से खाएंगे और आप भी अपना डे इंजॉय करिएगा। और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।